हेलो गाइस, मोस्ट वेलकमिंग टेक्नोलॉजी बाबा जी। इस वीडियो में हम देखेंगे कि मल्टीमीटर कैसे यूज करें और मल्टीमीटर के ज़रिए हम कैसे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को, वेरियस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को चेक करें कि ये ख़राब है या सही है। सो पहले मल्टीमीटर को कैसे सेट करें गाइस। सो सी ये हमारा पॉइंटर है, ऑन अ एरो सी है गिवन। ए किसी भी इंडिकेटर पे सेलेक्ट करेंगे, उस स्पेसिफिक कंपोनेंट को हम टेस्ट करेंगे कि ये खराब है या सही है, ये फंक्शनल है या और नॉन फंक्शनल है। सो सिंपली गाइस, सी यहाँ पे डायरेक्ट लाइन जो है हमारा, ए डीसी करंट के लिए है, डायरेक्ट करंट के लिए, और ये जो टीढ़ा वाला जो करंट सप्लाई हो रही है यहाँ पे, ये हमारा अल्टरनेटिव करंट की है। सो अगर हम डायरेक्टली बिजली से करंट चेक करना चाहते हैं या किसी भी बिजली बोर्ड को चेक करना चाहते हैं, किसी भी एक्सटेंशन बोर्ड को चेक करना चाहते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली बिजली से सप्लाई हो रही है इलेक्ट्रिसिटी से, तो हम सिंपली यहाँ पे 700 वोल्टेज पे रखेंगे, 750 वोल्टेज पे, और ये हमारा पॉजिटिव प्रोब है रेड कलर वाला, और ये हमारा नेगेटिव प्रॉब है। सो पहले इस वायर को हम कैसे चेक करेंगे कि हमारा वायर फंक्शनल है और नहीं, तो उसके लिए हम सिंपली इस मल्टीमीटर के पॉइंटर को ऑन कंटिन्यूटी, सी यहाँ पे बीप की साइन है गाइस, ऑन कंटिन्यूटी पे दिस एरो यहाँ पे पॉइंटर पे रखेंगे, और उसके बाद हम ए रेड कलर की जो हमारा रेड प्रॉब है, मीन्स पॉजिटिव जो हमारा प्रॉब वायर है, उसको हम प्लेस करेंगे यहाँ पे ऑन सेकेंड, और ये हमारा जो निगेटिव प्रॉब है वो कॉम में रखेंगे, सी ओ एम परमानेंटली। सो इट्स फॉर परमानेंटली गाइस, सो ऑन कॉम। नाउ सी गाइस, हमारे पास दो ऑप्शन है, वन अगर एम्पियर में मेजर करना चाहते हैं तो हम फर्स्ट वाला पे रखेंगे, अगर हम वोल्टेज एम्पियर और ओम को भी जैसे रेसिस्टेंस सबको मेजर करना है तो हम इस पे रखेंगे, तो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल सेकेंड वन है। नाउ हम इस वायर को सटा के देखेंगे कि बीप आ रहा है या नहीं। दिस मल्टीमीटर इज गिविंग अ बीप एट द मोमेंट, इट मीन्स दिस वायर इज ओके। सो यह बीप अगर दे रहा है गाइस तो ये बिल्कुल ओके है। अब हम डायरेक्टली एक्सटेंशन बोर्ड को लेंगे और यहाँ पे हम एम्पियर में, सॉरी बोल्ट में ले जाएंगे अल्टरनेटिव करंट में। सो ए एरो आप जस्ट कंफर्म कर लेना गाइस, ए एरो होना चाहिए। अब डायरेक्टली मैं एक्सटेंशन बोर्ड से जो करंट आ रही है इसमें, एक्सटेंशन बोर्ड में जो हम डायरेक्टली बोर्ड से कनेक्ट किए हैं बिजली बोर्ड से, सो देखते हैं हम कितना वोल्ट आ रही है। सो केयरफुली गाइस, नाउ सी हियर 700 वोल्टेज है, सो अप्रोक्सीमेटली हम चेक करेंगे कितने, सो 236.38 वोल्टेज आ रही है जो हमारा डायरेक्टली अल्टरनेटिव करंट है गाइस, ये हमारा एसी करंट है। सो एसी करंट के लिए हम यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ से यहाँ तक ली चेक कर सकते हैं। अगर 200 से नीचे का वोल्टेज चेक करना हो तो हम 200 पर इंडिकेटर रखेंगे, दिस पॉइंटर। अगर हमें 200 से ऊपर वोल्ट चेक करना है तो ये 700 वोल्टेज पर रखेंगे। और जनरली जो बिजली डायरेक्टली बोर्ड से आती है वो अल्टरनेटिव करंट होता है, और वो जनरली हम 200 से ऊपर ही वोल्टेज होती है, तो हम जनरली 750 पे वोल्टेज चेक करते हैं। सो गाइज, इजीली आप एक्सटेंशन बोर्ड को भी चेक कर सकते हो इसी तरीके से, अल्टरनेटिव करंट की एक्सटेंशन बोर्ड में आ रही है करंट और नहीं आ रही है। अब हम डीसी करंट चेक करेंगे। सो डीसी करंट के लिए गाइज, हम सिंपली एक डीसी करंट लेंगे। सो नाउ सी गाइज, हम इस इंडिकेटर को डीसी करंट पे रखेंगे 20 वोल्टेज पे, ये मोबाइल चार्जर है जो अल्टरनेटिव करंट से ए डायरेक्ट करंट डीसी दे रहा है हमें। सो इस डीसी करंट के लिए हम कैसे चेक करेंगे, 20 वोल्टेज पे रखा क्योंकि मोबाइल की जो चार्जर की
जो वोल्ट सप्लाई होती है डायरेक्ट करंट, वो 5 वोल्टेज अप्रॉक्सीमेटली बिलो 5 वोल्टेज होता है। तो इसके लिए हम गाइज यहाँ पे सिंपली इस पे चेक करेंगे। सो वोल्टेज हमारा माइनस में है, इट मीन्स नाउ दिस इज अ अर्थ एंड दिस इज ग्राउंड। सो 5 वोल्टेज आ रहा है गाइज, इट मीन्स ये हमारा डीसी करंट चेक करने के लिए, किसी भी मोबाइल चार्जर को चेक करना हो आपको तो 5% 5 वोल्ट अप्रोक्सीमेटली होना चाहिए, 3.7 वोल्टेज किसी भी मोबाइल चार्जर को, तभी मोबाइल चार्ज होगा। सो ये हमारा 4.94 या 94 96 आ रही है, इट मीन्स ये हमारा मोबाइल चार्जर बिल्कुल सही है। सो गाइज यहाँ पे हम अर्थ और ग्राउंड भी चेक कर सकते हैं। अगर बैटरी का अर्थ ग्राउंड चेक करना हो तो आप यहाँ पे करेंगे, और अगर अल्टरनेटिव करंट डायरेक्टली बिजली से अर्थ ग्राउंड को चेक करना हो तो आप हम इस पे करेंगे सिंपली। बट जनरली इस अल्टरनेटिव करंट में तो चेक होता ही नहीं है अर्थ ग्राउंड, बट यहाँ पे हम बैटरी में अर्थ ग्राउंड चेक कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे रखते हैं और यहाँ पे, तो ये हमारा इट मीन्स ये इंडिकेट कर रहा है कि ये अर्थ है और ये ग्राउंड है। अगर हम ये ग्राउंड को यहाँ पे रख देते हैं और अर्थ को यहाँ पे रख देते हैं तो ये माइनस में आ रहा है, ये माइनस में नहीं आना चाहिए। अगर माइनस में आ रहा है इंडिकेटर 5 वोल्टेज अप्रॉक्सीमेटली, तो इट मीन्स ये हमारा अर्थ है और ये ग्राउंड है, ये हमारा पॉजिटिव प्रॉब है, रेड रेड प्रॉब है, और इसमें निगेटिव प्रॉब ब्लैक है। सो इसे इस तरीके से हम जनरली किसी भी चार्जर को भी पता कर सकते हैं डीसी करंट को, कि वोल्टेज हमारा पॉजिटिव है या नेगेटिव है, कौन सी पॉजिटिव प्रॉब है और कौन सी नेगेटिव प्रॉब है। सो गाइस किसी भी वोल्टेज को मेजर करने के लिए अल्टरनेटिव हो या सॉरी ए अल्टरनेटिव हो या डायरेक्ट डीसी हो, एसी हो या ए वाला डीसी हो, हम इजीली आसानी से मेजर कर सकते हैं। यहाँ पे वोल्टेज दी हुई है, अगर आपको 200 से ज़्यादा का नापना है तो आप यहाँ पे रखेंगे, यहाँ 200 से ज़्यादा तो इस पे भी रख सकते हो आप, 200 तक लिखा आप यहाँ पे और 20 वोल्टेज से नीचे यहाँ तक। तो जनरली मोबाइल कंप्यूटर सबका चार्जर का जो भी करना आपको डीसी कनेक्टर के जरिए, आप यहाँ 20 वोल्टेज कंप्यूटर के जो लैपटॉप के चार्जर होते हैं वो आता है डीसी करंट, तो यहाँ तक ले आप चेक कर सकते हो। तो किसी भी आसानी से किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चार्जर को आप आसानी से और किसी भी एक्सटेंशन बोर्ड को अल्टरनेटिव करंट में ले जाके आप इजली आसानी से मल्टीमीटर से चेक कर सकते हो। अब तीसरा पर आते हैं, ये हमारा ओम जो वाला जो साइन है ये रजिस्टर के लिए होता है। तो रजिस्टर हम कैसे चेक करेंगे, अगर हम 20K पे रखते हैं और एक रजिस्टर लेते हैं और उसके बाद सी दिस ऑल आर रेजिस्टेंस, सो हम एक रेजिस्टेंस को चेक करेंगे। नाउ सी गाइस, वंस अगेन आई वुड लाइक टू शो यू, सी कम आ रहा है एक में, इट मीन्स हम 200 पे 2000 पे रख देते हैं, देखते हैं कितने ओम आ रहा है। ये हमारा चार आ रहा है, 4000 ओम के करीब में। अब 200 पे देखते हैं, पैंतीस सौ। सो गाइज हम 200 पे रखेंगे इसको, अब चेक करेंगे 20000 पे रखेंगे, सो 2000 ओम है अप्रॉक्सीमेटली गाइज, 2000 और 1000 के बीच का ये रेजिस्टेंस है। सो इस तरीके से हम किसी भी रेजिस्टेंस को चेक करेंगे ओम पे सिलेक्ट करके पॉइंटर। अब हम आते हैं कंटिन्यूटी पे गाइस, कंटिन्यूटी से हम किसी भी वायर सप्लाई को चेक कर सकते हैं। सो सपोज मान लीजिए हम इस सप्लाई को चेक करना चाहते हैं वायर को, तो बीप दे रहा मतलब यहाँ से यहाँ तक ली वायर सही है। सिमिलरली किसी भी वायर को भी चेक करना हो तो हम इसी तरीके से
किसी भी वायर को चेक कर सकते हैं। सपोज हम लेते हैं एक ग्राउंड वाला वायर, सप्लाई आ रही है यहाँ पे या नहीं आ रही है। दिस वायर सॉरी लेट मी दिस वायर, एक वायर ए लेता हूँ मैं गाइस, और फाइन इस सप्लाई हमें यहाँ पे चेक करनी है। सपोज यहाँ तक सही आ रही है या नहीं आ रही है। सी सो यहाँ पे कटा हुआ है गाइस, देखो आप तो यहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रही है, बीप दे रही है, इट मीन्स यहाँ पे डैमेज है। यहाँ तक सही है, यहाँ पे भी ये बीच वाला डैमेज है। सो इस तरीके से हम किसी भी वायर को सप्लाई चेक कर सकते हैं आसानी से। अब आते हैं हम कैपेसिटर पे। ये हमारा एक छोटा सा कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर को चेक करने के लिए हम कंटिन्यूटी पॉइंट पे ही रखेंगे, और ये हमारा नेगेटिव वाला साइन है। जो एक कैपेसिटर का जो नेगेटिव है ये हमारा, ये नेगेटिव पे हम ग्राउंड रखेंगे और इस पे पॉजिटिव पे। सो ये हमारा बीप देख के साथ में रीडिंग दे रहा है, और रीडिंग के बाद वन पे प्लेस हो जाएगा, इट मीन्स ये हमारा सही है। और फिर से ए निगेटिव वाला ग्राउंड पे हम पॉजिटिव प्रॉब रखेंगे और उस पे निगेटिव बीप देके उसके बाद ये भी वन पे प्लेस हो जाएगा गाइस, इट मीन्स ये हमारा सही है। अगर रीडिंग दे रहा है दोनों तरफ से, इट मीन्स रीडिंग देता ही रह रहा है, तो इट मीन्स ये हमारा जो कैपेसिटर है ये नॉन फंक्शनल है, ना ही हमारा ये चार्जिंग स्टोर कर रहा है ना ही डिस्चार्ज हो रहा है। सो आसानी से हम इसको किसी भी कैपेसिटर को चेक कर सकते हैं। नाउ हम डायोड पे आते हैं गाइस। नाउ सी हियर, ये जो हमारा डायोड है दिस वन, ये डायोड का आप जो सिल्वर पॉइंट देख रहे हो, ये हमारा सिल्वर पॉइंट निगेटिव प्रॉब होता है, और ये जो ब्लैक वाला देख रहे हो आप एरिया, ये पॉजिटिव प्रॉब होता है। तो इस पे रखेंगे हम और चेक करेंगे। शो लेट मी चेक क्लियरली। नाउ सी गाइस, ये हमारा रीडिंग दे रहा है 490। फिर इसको चेंज करके देखेंगे हम, एक तरफ से आप चेंज करने के बाद रीडिंग नहीं दे रहा, इट मीन्स ये बिल्कुल डायोड सही है। अगर दोनों तरफ से रीडिंग दे रहा हो तो आपका डायोड खराब है। तो आसानी से हम डायोड भी चेक कर सकते हैं ऑन कंटिन्यूटी पॉइंट पे। सिमिलरली अगर गाइज आप यहाँ पे अगर ट्रांजिस्टर चेक करना चाहते हो, तो ट्रांजिस्टर के लिए आपको एच एफ ई पे डालना पड़ेगा, तो एच एफ ई पे रखेंगे और इसके साथ हम बीटा वैल्यू का चेक करेंगे। बीटा वैल्यू चेक करने के लिए हमें गाइस सी एन पी एन और पी एन पी वाला सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो हमारा ट्रांजिस्टर है जो, इसमें ट्रांजिस्टर है नहीं गाइस, नहीं तो तीन वायर वाला जो ट्रांजिस्टर होता है, लेट मी चेक अनदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। नाउ सी गाइस, यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर है ये वाला तीन लाइन वाला, इन तीन लाइन वाला को ये जो हमारा पीएनपी है तो इसमें रख के हम डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे करके चेक करेंगे इन तीनों में रखें। और अगर इसमें, अगर सपोज मान लो कि आप एनपीएन है आपका अगर ट्रांजिस्टर, तो हम इस साइड तीन तीन जो होल है इसमें रखेंगे, और इसके बाद हम यहाँ पे मेजर करेंगे कि कितना हमारा बीटा वैल्यू आ रहा है। तो किसी भी ट्रांजिस्टर को हम आसानी से इसे चेक करेंगे। सो इस वीडियो में इतना ही गाइज, नेक्स्ट वीडियो हम सेपरेटली बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा किसी भी एलईडी को, बल्ब को एम्पियर चेक करना है डीसी करंट में या अल्टरनेटिव करंट में, तो हम कैसे चेक करेंगे। वो बैटरी लगा के चेक करना पड़ेगा गैस, तो उसके लिए थोड़ा सा बैटरी चाहिए, अभी है नहीं हमारे पास, और एलईडी भी नहीं है। इसके लिए इस पे आपको ये वाला ऑप्शन दिखाऊंगा कि एम्पियर में कैसे एलईडी का एम्पियर चेक करना है। सो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट इन दिस वीडियो ट्यूटोरियल। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा आपको और इन्फॉर्मेटिव है, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और शेयर कीजिए ताकि और किसी भी फर्दर किसी भी लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुंच सके ज़्यादा से ज़्यादा।
So this is all about in this video tutorial, guys. Thank you very much indeed. Have a great time.